हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑफ क्लास एलेवंथ बायोलॉजी दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स ओके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट नोट्स इसके प्रोवाइड करवाए थे अब मैं इसको समझा रही हूँ देखिए टिश्यू क्या होता है टिश्यू में सिमिलर सेल्स का ग्रुप होता है अलोंग विद इंटर सेल्यूलर सब्सटेंसेस विच परफॉर्म करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन ठीक है एनिमल टिश्यूज़ को हम फोर टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं एपीथीलियल टिशू कनेक्टिव टिशू मस्कुलर टिशू एंड न्यूरल टिशू एपीथीलियल टिशू दीस टिशूज़ को हम इन टिशूज़ को हम कॉमनली एपीथीलियम बोलते हैं हैज फ्री सरफेस विच फेसेस आइदर अ बॉडी फ्लूड और द आउटसाइड एनवायरमेंट जो सेल्स होती हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं थोड़ा थोड़ा इंटर सेल्यूलर मैट्रिक्स होता है देर आर टू टाइप्स की होती हैं एपिथेलियल टिश्यूज सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम को स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी बोलते हैं सिंपल एपिथेलियम इज कम्पोज ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड फंक्शन लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज हैज प्रोटेक्टिव फंक्शन एज इट डज इन अवर स्किन Simple epithelium on the basis of modification divided into three types: squamous, cuboidal, and columnar. Squamous epithelium made of single thin layer of flattened cells with irregular boundaries found in the wall of blood vessels and air sacs of lungs. Functions are diffusion boundary. Cuboidal epithelium composed of a single layer of tube-like cells. Next point. फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नैफ्रॉन्स एंड किडनी मेन फंक्शन इज सिक्रीशन एंड कॉल्यमर एपीथीलियम कम्पोज होती है सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल से इनका न्यूक्लियाई बेस पर लोकेट होता है फ्री सरफेस पर मे है यहाँ पे जो फ्री सरफेस होता है वहाँ माइक्रोविलाई हो सकती है फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन इन एब्जॉर्न एंड सिक्रीशन ये याद रखना है आपको फंक्शन क्या होता है इनका एब्जॉर्न एंड सिक्रीशन सीलिएटेडीलियम इट इज अ मॉडिफाइड ियम से इनर एंड फलोपियन ट्यूब्स में पाई जाती है सीलिएटेड एपीथीलियम इनका फंक्शन होता है पार्टिकल्स को मूव करवाना और म्यूकस को मूव करवाना इन स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपीथीलियम ग्लैंडर एपिथीलियम जो है ये मॉडिफाइड क्यूबॉइडल और कॉल्यूमनर एपिथीलियम होती है ये स्पेशलाइज होती है सिक्रीशन के लिए सिंपल ग्लैंड्स हैविंग यूनीसेलुलर एंड आइसोलेटेड सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल मल्टी सेलुलर ग्लैंड कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स एज इन सलाइवरी ग्लैंड एक्जोक्राइन ग्लैंड द सिक्रीटरी प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेड टू अ पॉइंट बाय अस ऑफ अ डक्ट इनमें डक्ट होती है डक्ट वाली ग्लैंड्स है एग्जोक्राइन ग्लैंड और डक्ट लेस ग्लैंड होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड दीज ग्लैंड्स एग्जोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करती हैं म्यूकस सलाइवा ईयर वैक्स मिल्क डाइजेस्टिव एंजाइम्स ठीक है एंडोक्राइन ग्लैंड जो है इनको एक्ट्रलेस ग्लैंड्स बोलते हैं क्योंकि इनका सेक्रेटरी जो प्रोडक्ट होता है वो डायरेक्टली ब्लड में जाके ब्लड में जाता है ठीक है डीज ग्लैंड्स जो है वो हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं कंपाउंड एपिथेलियम मेड ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स लिमिटेड रोल इन एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रिशन मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस डिकवर द ड्राई सर्फेस ऑफ स्किन मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी फैरिंग्स इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सेलाइवी ग्लैंड एंड पैक्रियाटिक डट नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट वीडियो में हम सैन जंक्शन से स्टडी करेंगे इफ माई वीडियोज आर हेल्पफुल फॉर यू दैन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल लर्निंग पॉइंट थैंक यू